छात्र संघ अध्यक्ष चुनावों में निर्मल चौधरी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिसमें निर्मल चौधरी की दो तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर 22 अगस्त की, जिसमें नामांकन के दौरान निर्मल चौधरी और उनके समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हो जाती है, जिसमें निर्मल चौधरी घायल भी होता है। उसके बाद पुलिस निर्मल चौधरी को गिरफ्तार कर ले जाती है। दूसरी तस्वीर 27 अगस्त की, जिसमें निर्मल चौधरी अपने समर्थकों के साथ पूरे जोश से यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है। जोश राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष का चुनाव जीतने का यह दो तस्वीरें गवाह है कि 5 दिन में निर्मल चौधरी की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ सिर्फ 5 दिन में हो गया? इसका जवाब नहीं है। तो आखिर निर्मल चौधरी की कैसे इतनी बड़ी जीत हुई, उसके 7 कारण हम आपको बताते हैं। पहला कारण, निर्मल चौधरी को पहले से पता था कि NSUI से टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए प्लान बी के तहत 6 महीने पहले से ही चुनाव की तैयारी करनी शुरू कर दी। दूसरा कारण, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से 1-to-1 मिलकर नंबर एक्सचेंज किया और बर्थडे सेलिब्रेशन से लेकर एडमिशन करवाने तक स्टूडेंट के साथ लगे रहे। तीसरा कारण, निर्मल चौधरी को पता था कि कैंपस के वोट जातिगत आधार पर बट जाएंगे, इसलिए ज्यादा फोकस महारानी और महाराजा कॉलेज के वोटर्स पर किया। साथ ही निर्मल चौधरी की बहन सारा चौधरी महारानी कॉलेज में पढ़ती है, तो उसका फायदा भी निर्मल चौधरी को मिला। चौथा कारण, नामांकन के दिन शक्ति प्रदर्शन के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज भी निर्मल के फेवर में गया। पांचवा कारण, यूनिवर्सिटी में घूम घूम कर यह मैसेज देने में निर्मल चौधरी कामयाब रहे कि पुलिस छात्र शक्ति को दबाने का प्रयास कर रही है। छठा कारण, सोशल मीडिया भी निर्मल चौधरी के काम आई, जिससे यूथ सबसे ज्यादा निर्मल चौधरी के साथ कनेक्ट हो पाया।